नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुराज शर्मा। खबर आ रही है गुजरात के नर्मदा जिले से। केवड़िया कॉलोनी में पिछले 40 साल से प्रतिमा होटल पर लोग जिस जायके का स्वाद लेने के लिए आते थे, वह स्वाद अब ओझल हो गया है। दरअसल अर्जुन सिंह और सहदेव सिंह दोनों भाइयों के पिताजी को सरकार ने लीज बेस पर प्लॉट दिया था। इस भूमि पर प्रतिमा होटल और घर बनाकर दोनों भाई अपना व्यवसाय कर रहे थे, लेकिन सरदार सरोवर नर्मदा निगम ने होटल मालिक को पिछले महीने नोटिस देकर एक महीने में होटल को खाली करने का अल्टीमेटम दिया था। पिछले सवा महीने से प्रतिमा होटल के मालिकों ने भरसक प्रयास भी किया कि शायद उनकी मेहनत से खड़ा हुआ प्रतिमा होटल और घर बच जाए, लेकिन प्रशासन ने एक महीने का अल्टीमेटम खत्म हो जाने के बाद होटल और घर को जमींदोज कर दिया, जिससे होटल मालिक का पूरा परिवार और साथ ही साथ होटल में काम करने वाले 5 कारीगर भी बेरोजगार हो गए हैं और एक महीने से रोड पर रहकर गुजारा कर रहे हैं। प्रशासन ने होटल और घर को गिराने के बाद कोई वैकल्पिक मदद नहीं दी है। दोनों भाई अपनी वैकल्पिक व्यवस्था की मांग को लेकर हाई कोर्ट भी गए हैं। हाई कोर्ट ने सरदार सरोवर नर्मदा निगम को 15 दिन के भीतर अर्जुन सिंह के पूरे परिवार को वैकल्पिक व्यवस्था देने की सूचना दी है। हालांकि इतना हो जाने के बावजूद भी प्रशासन ने अभी तक इन लोगों की तकलीफों की सुध नहीं ली है। हमारे संवाददाता ने होटल मालिकों से बातचीत कर उनका पक्ष जाना। इंडिया खबर लाइव के लिए गुजरात नर्मदा से गौतम व्यास की रिपोर्ट। 40 साल से मुझे होटल दी थी गवर्नमेंट ने लीज बेस पे, और उसे रहने के लिए भी व्यवस्था दी थी मुझे। आज हाईकोर्ट के डिसीजन से मुझे 15 दिन की वैकल्पिक व्यवस्था देने का उन्होंने वायदा किया है, पर हमारा घर पीछे है, हमारा पूरा फैमिली रहता है, उसकी कोई व्यवस्था इन लोगों ने गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहायता नहीं दी है। और जो भी हमको सहायता दी है वो बोल रहे हैं कि 5,000 रुपये डिपोजिट भरो और 1,200 रुपये किराए में दो, तो ये सहायता है या फिर दिखावा है, इसके संबंध नहीं पड़ता। और हमारा पूरा फैमिली आज रोड पे खड़ा है, इसका क्या ये वैकल्पिक व्यवस्था है उनकी गवर्नमेंट की? सरदार सरोवर नर्मदा निगम द्वारा आपको नोटिस कब दी गई थी और वो तोड़ने के लिए कब आए थे? नोटिस मुझे 4/9/2019 को दी गई थी, और उसके उसी दिन शाम को 5 देने आए थे। उसी दिन 12 बजे गवर्नमेंट उनकी लीगली 12 बजे तोड़ने के लिए वो आ गए थे, इनलीगली तोड़ने के लिए आ गए थे। मेरे उनके विरोध के बाद उन लोगों ने मेरे को नोटिस दिया, विरोध के बाद पहले नोटिस नहीं दिया, पहले तोड़ने आ गए थे। ये इनका पूरा का पूरा पूरा प्लानिंग था कि डायरेक्ट तोड़ने का। नोटिस मिलने के बाद आप कहाँ कहाँ तक और कौन कौन से अधिकारी को मिले और आपने क्या क्या रजूआत की? नोटिस मिलने के बाद मैंने पूरे निगम के पूरे जितने भी अधिकारी मेरी तरफ से पूरी सहायता उनकी तरफ से सहायता मिली, उनके पूरा रजूआत की, पर उन्होंने मेरी कोई भी बात ध्यान में रखी, बोला कि ऊपर से ऑर्डर है, MD का हुक्म है, ये वो कर रहे हैं, कोई चलेगा नहीं आपका। मैंने बोला कि कोई बात नहीं, आप अगर नहीं करते तो हमको कुछ वैकल्पिक व्यवस्था दो, पर उन लोगों ने पूरे हमारे कागज बनाए और उन्होंने ऑन पेज पर बताया कि भाई ये और उसके अलावा कुछ किया नहीं उन लोगों ने। इसके लिए हम लोग हाईकोर्ट में गए, बाकी हाईकोर्ट जाने की हमारी कोई व्यवस्था कोई ऐसी ये नहीं कि हमारी भावना नहीं कि हम जाएँ, हमको न्याय नहीं मिले इसके लिए हाईकोर्ट गए, बाकी हमारे कोई फाइन नहीं, प्लानिंग नहीं था हमारा। और हमारे साथ एक भाई भी जुड़ चुके हैं, सहदेव सिंह, आइए हम उनसे भी जाने का प्रयास करेंगे। आपको नोटिस कब मिली और नोटिस मिलने के बाद आपने कहां कहां पे रजूआत की? नोटिस हमको 4/9/2019 को मिला, और वो भी शाम को मिला। उससे पहले के 12 बजे को ये कार्यवाही तोड़ने की शुरुआत कर दी गई। हमने जब सामने से मांगा कि हमके नोटिस लीगल दीजिए आप, उसके बाद में उन्होंने प्रोसेस किया लीगल नोटिस देके, एक महीने के अंदर आपको ये पूरा खाली करना है, उस तरह की नोटिस दी। यहाँ पर सरदार सरोवर कचहरी के अधिकारी आपको नोटिस दी दबान दूर करने की, तो आपने सरकार में रजूआत की और सरकार की ओर से आपको कैसा प्रतिभाव मिला? मैंने मेरी ओर से श्री नरेंद्र मोदी सर को भी मैंने एक लेटर लिखा है, और विजय रूपानी सर को भी एक लेटर लिखा है। 2 दिन पहले हमारा पूरे घर को और मेरी होटल को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है प्रशासन तंत्र द्वारा। तो आज मेरी फैमिली और हम मेरी फैमिली पूरी यहाँ पर 2 दिन से यहीं पर रोड पर खड़े हैं। तो आज आगे क्या होगा, हमारा फ्यूचर कुछ अभी तय नहीं है, तो आगे क्या करें हमको कुछ रास्ता मिल नहीं रहा। अभी तक आपको संबंधित कचहरी के अधिकारियों ने आपकी मुलाकात ली? संबंधित कचहरियों में कोई सामने से कोई मिलने नहीं आया, जो भी था वो सामने से मुझे जाना पड़ा मिलने के लिए। जी, सरकार में से कोई भी प्रतिनिधि आपको मिलने के लिए आया है? नहीं, आज तक कोई नहीं आया। मैंने मेरी होटल और घर के व्यवसाय के अर्थ से आज तो पिछले
एक महीना और 10 दिन से तो हमारा कोई व्यवसाय बंद करवा दिया गया है पहली बात तो, और उसकी बदौलत हमारे घर की रोजी रोटी चल रही थी, ठीक है, जो भी है उसके ऊपर ही हमारा होटल के ऊपर ही डिपेंडेबल थे हम पहले। पिछले एक महीने और दस दिन से तो हमारा कोई रोजगारी नहीं है आज, तो पहली बात वो है। तो मैंने उस रिगार्डिंग मैंने CM साहब विजय रूपाणी साहब को भी एक लेटर लिखा है और अपने देश के प्रधानमंत्री उनको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब को भी एक लेटर लिखा है। सरदार सरोवर नर्मदा निगम कचहरी द्वारा यहाँ पर आपका घर और होटल तोड़ दी गई है। प्रशासन तंत्र द्वारा आपको यहाँ पर रहने की सुविधा दी गई है। रहने की सुविधा दे रहे हैं पर 5,000 रुपया हमको डिपॉजिट का बोल रहे हैं और 1,200 रुपया हर महीने का बोल रहे हैं, और हमारे पास अभी बेरोजगार है, हम कहाँ से लाए पैसे, इनको कैसे दें, क्योंकि बच्चे देखो हम रोड पर पड़े हैं कहाँ जाए, उन लोगों ने हमारा तोड़ के रख दिया, अब वापस हम कैसे खड़े हो, हमको कोई जगह दे नहीं रहे कि चल भाई यहाँ रहो यहाँ रहो, हम कहाँ जाए। ये बोल रही है हमारा घर पीछे टूट गया है, मोदी दादा ने हमारा घर तोड़ लिया, सब छीन लिया, हम कहाँ जाए, ये रोड पर बैठे हैं। तो ये थे यहाँ पर हमारे प्रतिमा होटल के परिवार के लोग, जिन लोगों का कहना है कि यहाँ पर हमारा घर और हमारी रोजी कचहरी द्वारा छीन ली गई है, तो आज हम कहाँ जाएं, और वो आज लोग यहाँ पर बेरोजगार हो गए हैं और रोड पे आ गए हैं। इंडिया खबर लाइव से मैं गौतम व्यास, गुजरात नर्मदा।